साथ अभी आप सभी को वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्त, जुलाई महीने में भी माता वैष्णो देवी का पुलाव आ चुका है। तो हमारे जो है कटरा के पावर दर्ज की थी, तो अभी अभी जस्ट उसने 8 AM से उनका संपर्क करा चुके। तो आप सभी को माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सारा अपडेट मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पे आपको हमेशा मिलती है। बोलो सच दरबार की जय। तो स्टेशन पर का दृश्य हम देखिए आपको दिखा रहे हैं। तो भीड़ है लेकिन ज़्यादा नहीं है, फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में इससे कई गुना भीड़ रहते हैं। तो चलिए धीरे धीरे RFID कार्ड बनवाते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। तो यहाँ पे RFID कार्ड बनवाने के लिए भीड़ अत्यधिक है, तो चलते हैं रेलवे स्टेशन पे, सॉरी बस स्टैंड से ही बनवा लेते हैं, क्योंकि बस स्टैंड में उतना भीड़ नहीं रहता। तो चलिए अब धीरे धीरे चलते हैं बस स्टैंड की ओर और आपको दिखाते चलते हैं और जानकारी देते चलते हैं। जय माता दी। तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे, आपको देखिए बस स्टैंड मतलब सॉरी टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बाणगंगा या बस स्टैंड जहाँ जाना है आपको चले जाइएगा, ठीक है। तो हम तो पैदल ही जाएंगे, पैदल ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 2 किलोमीटर लगता है, 10 से 20 मिनट, तो हम पैदल ही जाते हैं हर एक बार। तो चलिए हम आपको दृश्य दिखाते हुए चलेंगे। जय माता दी। ये देख सकते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा, बस स्टैंड के बगल में ही है। तो ये देखिए बस स्टैंड है। तो चलते हैं अंदर, देखिए कुछ लोग जा रहे हैं, तो अंदर चल के अंदर देखिए फोटोग्राफी वगैरह मना है। तो अंदर का दृश्य हम हल्का फल्का आपको दिखा पाएंगे। तो अंदर चलते हैं और RFID कार्ड बनवा के आते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे ही लाइन में लगकर RFID कार्ड बनता है। फाइनली देख सकते हैं ये RFID कार्ड है, तो हमने बनवा लिया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, सिर्फ आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई एक प्रूफ दीजिएगा, आपको बना के दे देगा। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। तो जैसे ही देख सकते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन बनवाएं और यहाँ पे देखिए बारिश मूसलाधार शुरू हो गई, जिसके कारण लोग यात्रा पे अभी नहीं जा रहे हैं, बारिश के कारण देखिए छुपे हुए। लेकिन हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, उतना भी तेज़ बारिश नहीं है। तो चलिए धीरे धीरे बाणगंगा की ओर चलते हैं। जय माता दी। तो दर्शन के लिए बाणगंगा से करीब 1 किलोमीटर पहले से ही देखिए लाइन में लगना पड़ रहा। तो धीरे धीरे लाइन में लग के हम लोग देखिए जा रहे हैं बाणगंगा में चेक पोस्ट के पास चेक करवा के फिर आगे का दृश्य देखिए दिखाएंगे आपको। जय माता दी। तो बारिश के कारण देख सकते हैं रेनकोट बिक रहा है, तो अगर आप सभी को अगर लेना रहेगा तो आप रेनकोट वगैरह लेके आएंगे घर से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो फिक्सिंग पॉइंट के पास काम चल रहा है अभी, इसको और सुंदर तरीका से बनाया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा मतलब चेकिंग वगैरह और प्रवेश करवाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए थोड़ा मतलब ज़्यादा लेट हो रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्द ही ये काम समाप्त हो जाएगा 1-1.5 महीने के अंदर। तो बाहर का देखिए हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि कितना सारा भीड़ है। तो मौसम आज काफ़ी बेस्ट लग रहा है हमको देखने में, तो चलिए चेक करवाते हैं पहले। तो यही चेकिंग पॉइंट है, इसके अंदर बैग डालेंगे और फिर आपको प्रवेश कर जाना है। आप फाइनली हमने अपना बैग चेक करवा लिया, अब धीरे धीरे भवन की ओर बढ़ते हैं। तो भवन की ओर जाने के लिए देख सकते हैं भीड़ काफ़ी अत्यधिक है, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि बरसात में भी इतना भीड़ हो सकता है, लेकिन काफ़ी अत्यधिक भीड़ है। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते चलते हैं। जय माता दी। तो जैसे ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट पार करेंगे, बस 20 से 30 मीटर के दूरी पे गुलशन जी का लंगर मिल जाएगा। तो अगर आप खाना उना खाने चाहेंगे तो लंगर में खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पालकी पिट्ठू बुकिंग काउंटर है, अगर आप घोड़ा या पिट्ठू जो चीज़ से जाना चाहते हैं तो सारा चीज़ का बुकिंग यहीं से होता है, तो यहीं पे आप बुकिंग करवा लेंगे। जय माता दी।
काउंटर से आप जैसे बुकिंग करवाएंगे उसके जस्ट आगे आपको देखिए घोड़ा वाले मिल जाएंगे और पालकी वाले, तो आप इस पे बैठ के और जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि बाणगंगा के पास भीड़ अत्यधिक है और यहाँ पे देखिए पानी भी काफ़ी तेज़ से बहने लगी, तो लोग यहाँ पे स्नान वगैरह कर रहे हैं। तो आप भी अगर आते हैं तो यहीं पे स्नान वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे आप साबुन वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन नदी में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम भी स्नान वगैरह हम करेंगे ऊपर में ही भवन पे, तो यहीं पे मुंह वगैरह धो लेते हैं और उसके बाद यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। तो बाणगंगा का हम देखिए आपको दृश्य दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लोग काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे लोग आराम से स्नान कर रहे हैं। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बाणगंगा में पानी है या नहीं, तो आप खुद देख सकते हैं। और भी देखिए हम आपको दृश्य दिखा देते हैं। और यहाँ पे फ्री मुंडन शॉप भी है, तो अगर आप अपने बच्चों को मुंडन करवाना चाहते हैं तो फ्री में भी करवा सकते हैं। तो और भी देखिए हम दिखाते हैं आपको बाणगंगा का दृश्य। तो इधर भी देख सकते हैं बाणगंगा में लोग स्नान कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीक़ा से। और यहाँ पे आप कपड़ा वगैरह चेंज करने का भी नहीं है, लेकिन आप खुद अपना एडजस्ट करके चेंज कर लेना। तो यहाँ पे चोर और जेब कतरों से सावधान रहें देखिए, और यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, सारा चीज़ लिखा हुआ, तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग सारा काम करेंगे। जय माता दी। और यहाँ पे देख सकते हैं लोग दंडवत यात्रा भी करते हुए माता रानी के भवन में जाते हैं। तो ये जो यात्रा होता काफ़ी हार्ड यात्रा होता, तो मनोकामना पूर्ण होने पर आप भी अगर यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। तो यात्रा में सबसे पहले आपको यही मंदिर मिलेगा माता इच्छा पूर्णा देवी का, तो आप जाके इनका दर्शन भी कर सकते हैं। तो प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका मंदिर, तो हम आने वक्त यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो इस स्थान का विशेषता यह है कि भैरवनाथ जब आ रहे थे माता वैष्णो देवी के पीछा कर रहे थे, तब वो पलट के देखे थे, तब उनका पैर का निशान पड़ गया था, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम चरण पादुका रखा गया। तो चलिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। और ये देख सकते हैं आपकी पूरा कोहरा लग गया है, और देखिए सब एकदम पूरा एकदम ठंडा उंडा लग रहा है सबको जाने में, और ढोलक भी बजाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दो रास्ता मिलेगा, हिमकोटी मार्ग और एक हाथी माथा मार्ग। तो हाथी माथा मार्ग से इधर से जाता है जो घोड़े पालकी पिट्ठू जो होते हैं ना वो सब जाते हैं, और जो हिमकोटी मार्ग है उससे मतलब हम लोग जाते हैं। तो देख सकते हैं, तो हम तो हिमकोटी मार्ग से ही जाएंगे। तो देखिए ये हिमकोटी मार्ग का द्वार है, तो इसमें हम प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर चेकिंग पॉइंट रहता है, तो चलिए चेकिंग पॉइंट के पास मिलते हैं। तो ये देखिए पुलिस चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे आप पहले चेक बुक करवा लेंगे। तो यहाँ पर से आप बैटरी कार रिक्शा वगैरह सब चीज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए लगा हुआ, तो इस पर आपको एक आदमी का 450 रुपया लगेगा, और दिव्यांग आदमी को फ्री में लेके जाएगा। जय माता दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से 400 मीटर अर्धकुमारी और ये देव भवन का रास्ता इस साइड है, तो हम चलेंगे भवन की ओर। तो देख सकते हैं धीरे धीरे और कोहरा लगता ही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। तो यहाँ पे आपको पुलिस चेक पोस्ट हिमकोटी मिलेगा, तो हिमकोटी से ज़्यादा नहीं मात्र 3 किलोमीटर का दूरी है भवन। तो देख सकते हैं भवन की दूरी मात्र अब 3 किलोमीटर बचा है, तो कुछ देर के बाद हम भवन के पास होंगे। तो जैसे ही आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट भवन रहेगा, तो यहाँ पे भी आपको चेकिंग करवाना है। आपको चेकिंग ये होता है कि खैनी बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब नहीं लेके आपको यात्रा करना है। और यहाँ पे देखिए आपको पार्वती भवन दिख जाएगा, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा मनोकामना भवन। और देख सकते हैं लोग भीड़ अत्यधिक है दर्शन के लिए, तो पहले चलते हैं। आपको देखिए लाइन में भी लगे हुए हैं लोग,
दर्शन करने के लिए। तो पहले हम आपको भवन दिखा देते हैं, फिर भवन दिखाने के बाद स्नान वगैरह करके हम भी दर्शन करेंगे। तो भवन का देखिए, भवन का नज़ारा आपको काफ़ी भव्य एवं सुंदर दिख रहा होगा, और ऊपर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोहरा लगा हुआ है। तो हालांकि अभी मौसम सही है, लेकिन यहाँ कब क्या हो जाए उसका पता नहीं। तो सबसे पहले लॉकर में सामान रखते हैं और उसके बाद स्नान करने जाते हैं। तो लॉकर रूम में नकदी और अपना जेवर नहीं रखें, हालांकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो धर के स्नान करके आते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं कि स्नान करने के बाद शाम हो चुका है, तो माता रानी का भवन शाम में देख सकते हैं, काफ़ी भव्य एवं सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलिए चलते आते हैं दर्शन करके। तो फाइनली हमने माता रानी का दर्शन कर लिया, अब चलते हैं बाबा भैरवनाथ के यहाँ दर्शन करके, और फिर सीधा निकलना है अमरनाथ के लिए। तो देख सकते हैं भैरव घाटी मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 2 किलोमीटर यात्रा तय करने में करीब मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा का टाइम लगेगा। तो बस जस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बाबा भैरवनाथ मंदिर के पास। तो आपको बाबा भैरवनाथ मंदिर का पूरा दृश्य देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भीड़ अभी आपको रात के समय में थोड़ा कम आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रात अत्यधिक हो गया इसके कारण, लेकिन बहुत सारे लोग जो सेल्फी पॉइंट है भैरवनाथ के पास वहाँ पे देख सकते हैं लोग आराम कर रहे होंगे। तो ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है, तो इसका मुख्य कारण है जो भैरवनाथ के पास बहुत बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, तो वह हर हमेशा चलता रहता है, इसके कारण देखिए पूर्ण रूपेण आपको कलरफुल तरीका से दिख रहा होगा। तो यहाँ से भवन भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है, अगर आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर देखेंगे। तो अब चलते हैं, थोड़ा भैरवनाथ मंदिर आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे कटरा की ओर। तो यही देखिए भैरवनाथ मंदिर है, प्रवेश द्वार। तो यहाँ से यही साइड से हम निकलते हैं अब कटरा की ओर। तो फाइनली देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं कटरा की तरफ, यहाँ पे RFID कार्ड जमा करते हैं और फिर चलिए अब बाहर का दृश्य दिखाते हैं। जय माता दी। फाइनली दोस्त हमने संपूर्ण यात्रा कर लिया, तो अब देख सकते हैं एग्जिट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं रेलवे स्टेशन और निकलना है हमको अमरनाथ के लिए। तो अमरनाथ के भी वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। जय माता दी।